हाय गाइस, कैसे आप सब लोग? जय माता दी। सोच रही होंगी आज जिनी इतना तैयार हो के क्यों बैठी हुई है। वेल, नवरात्रे चल रहे थे। अब पता नहीं ये वीडियो कब पोस्ट होगी, लेकिन नवरात्रे चल रहे हैं और आज नवमी है। तो अब क्या रहता है घर में, तो अब बचपन से आदत है ना कि नवमी के दिन माता रानी की पूजा होती है, हलवा पूरी चने की सब्ज़ी और खीर खाने को मिलती है। तो अब वो टेस्ट मुँह से कैसे जाए। यहाँ पे हम लोग इतना पूजा तो कर नहीं सकते, थोड़ा बहुत तो पूजा मैं करती हूँ यहाँ पे भी, लेकिन अब इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं मिल पाता काम की वजह से। तो मैंने सोचा माता रानी के लिए थोड़ा सा भोग बना लेते हैं, तो फिर उसके बाद हाथ जोड़ के थोड़ा सा माँ को चढ़ा देंगे और उसके बाद हमारी भी पेट पूजा हो जाएगी, है ना। वैसे भी घर के खाने की तो बात ही कुछ और है, और बचपन से वो टेस्ट मुँह में बैठा हुआ है तो क्या करें अब, है ना। तो देखिए, एक बहुत सिंपल सी तरीके से मैं बनाने वाली हूँ आज प्रसाद, क्योंकि अब इतना टाइम तो मिलता नहीं है और आज ऑफ था, तो मैंने सोचा कि बना लेती हूँ जल्दी जल्दी से। और पतिदेव लंच ब्रेक पे जब आएंगे तो पतिदेव को भी थोड़ा डिफरेंट खाने को मिलेगा कुछ, है ना। तो चलते करते तैयारी। ओके, लेट्स गो। तो अब देखिए, जल्दी वाला ही काम करती हूँ मैं हमेशा, ताकि ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग ना हो। अब आपको पता ही है थोड़ा टाइम का रेस्ट्रेंट रहता ही है हमेशा से, कभी काम है कभी कुछ करना है। तो इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इजी वे में बना सकूँ जो मैं बना रही हूँ, है ना। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने यहाँ पे मैं बस ये चावल धो रही हूँ, आपको दिखाती हूँ फिर हम आज कुकर में सीटी लगा के कैसे बनाएंगे हमारी खीर। स्टार्ट करते खीर से, कुछ मीठे से, और उसके बाद फिर जाएंगे चने की सब्जी और हलवे पे। ओके, ये देखिए मैंने कुकर ले लिया है, चावल धो के भिगा के रख लिए थे मैंने, और थोड़े ड्राई फ्रूट्स मैंने हलवा और खीर दोनों के लिए कर लिए हैं। ये मैं यहाँ पे A2 मिल्क यूज़ करती हूँ, तो ये ले आई हूँ। अब तड़का मार के करते हैं खीर की शुरुआत। अब देखिए, ये अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार है कि आपको क्या कितना डालना है, सबकी अपनी अपनी मर्ज़ी होती है ना। तो मैं तो यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ घी से। आप कोई ऐसा खाना बनाना सिखा तो रही हूँ नहीं मैं आपको, मैं तो सिर्फ आप लोगों को दिखा रही थी मैं यहाँ पे कैसे क्या करती हूँ। तो इसीलिए घी डाल दिया, इसको साइड में रख देते, अभी बहुत सारे घी की ज़रूरत है हमें, है ना। घी डाल दिया, यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स रेडी है, घी मेल्ट हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या बोलते हैं, इलायची का पाउडर बना के रख लिया है ऑलरेडी। आई ऑलवेज कीप इट हैंडी, क्योंकि कुछ ना कुछ बनाते रहना पड़ता है ना, तो फिर उसमें ज़रूरत पड़ जाती है, तो इसीलिए मैं हमेशा से अपने पास इलायची का पाउडर रख ही रहती हूँ। तो उससे क्या रहता है, टाइम वेस्ट नहीं होता। अब इलायची कूटो, ये करो वो करो, बहुत टाइम लगता है यार। आई होप आप लोगों की नवरात्रि अच्छी रही होगी। अब तो दशहरा भी आने वाला है, मैं सोच रही हूँ अगर टाइम मिलता है तो दशहरे के लिए भी कुछ बनाएंगे, आज नहीं कल परसों कभी भी। अब क्या है कि मेरे ऑफ्स वगैरह पे भी डिपेंड करता है, तो इसीलिए कभी कभार मैं वीडियोस एक दो दिन के गैप में बना लेती हूँ, कभी कभार बहुत लंबा टाइम लग जाता है, तो ये टाइम तो हमेशा चलता ही रहता है। क्या करें, अब वर्किंग लोग ऐसे ही होते हैं। और बाहर तो अब घर पे क्या है, मम्मी है, सास है, ये हेल्प मिल जाती है, वो हेल्प मिल जाती है, यहाँ पे तो सब कुछ खुद ही करना है, खाने पीने का भी खुद। तो मैं जैसे ही घी गर्म हुआ, मैंने इसमें थोड़ा इलायची डाल दिया, और इलायची हमारा खुशबू देने लगेगा, और फिर हम खड़ची रखने में इजी हो। तो अब ये हो गया है, अब हम क्या करेंगे, इसमें हम थोड़ा सा ये और गर्म हो जाए, इसमें मैं थोड़े ड्राई फ्रूट्स डाल दूंगी, ताकि ये ड्राई फ्रूट्स ठीक है, बहुत देर लगता है, दिखाती हूँ मैं आपको, थोड़ा रुकिए।
ये देखिए ये ड्राई फ्रूट्स डाल के मैं इसको अच्छे से थोड़ा सा भून लूँगी ताकि थोड़ा कच्चापन जो है वो चला जाए। मैंने ये ड्राई फ्रूट्स ना दरदरे से ही ग्राउंड किए हैं ताकि मुंह में टेस्ट भी आना चाहिए, पता भी चलना चाहिए कि ड्राई फ्रूट्स डाला है जिन्होंने, सिर्फ ऐसे ही खीर नहीं बना दी है ना। तो ये हल्का सा कलर वो करेगा, फिर इसमें हम चावल डाल देंगे। अब ये देखिए मैंने इसमें चावल भी डाल दिया और मैं इसको अच्छे से थोड़ा देर भून लूँगी, फिर इसमें चीनी और पानी डाल के एक सीटी मार देंगे। ये देखिए मैंने इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डाला है, सिर्फ चीनी पानी और चावल है, दूध अभी नहीं डाला है। क्यों नहीं डाला है वो मैं आपको बताती हूँ, एक मिनट सीटी लगा लो। अब आप बोलेंगे जिनी ऐसी खीर तो देखी नहीं हमने जिसमें दूध भी नहीं डाला तूने, तो बात यह है कि अगर मैं दूध अभी डाल दूंगी तो क्योंकि हमारे इसमें घी और ड्राई फ्रूट से दूध फट जाएगा, 100% फट जाएगा और खीर हो जाएगी ख़राब। तो इसीलिए इसको सीटी लगाया। अब देखिए निंजा टेक्निक, ये सीटी लगा के इसके चावल जल्दी से गल जाएंगे। उसके बाद हम इसको खोल के इसमें दूध ऐड करके इसको पकने के लिए, मतलब उसको थोड़ा रिड्यूस होने के लिए रख देंगे और उसमें यू नो टेस्ट वाइज एंड कंसिस्टेंसी वाइज हम इसमें दूध डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे और उसको थोड़ा सा रिड्यूस होने देंगे। तो उससे क्या होगा कि हमारे खीर का टेक्सचर भी अच्छा आएगा और उसके साथ साथ टेस्ट भी अच्छा हो जाएगा। आई नो बहुत सारे लोगों को लगता है कि अरे नहीं खीर ऐसे नहीं बनता, खीर बहुत तरीके से बनता है यार, हर कोई अपने अपने तरीके से बनाता है। दिस इज़ माई टेक्निक। तो ऐसा रहता है कि जल्दी जल्दी से सब काम हो जाता है ना। अब जहाँ रही जल्दी जल्दी की बात, वहाँ पे चने की बात आ जाती है। अब तो टेंशन की बात नहीं है, वरी नॉट, बिकॉज दिस इज माई चना जो कि मैंने अच्छे से भिगा के कल ही रख दिया था, तो हमें लगता नहीं इसको सीटी जग लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। देखते हैं, लेट्स सी, सीटी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसको। अब हम क्या करेंगे, इसको पहले मैं धो लेती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि भिगा के रखा था, दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ये मैंने चना अच्छे से भिगा के रखा था और ये अच्छे से भीग भी गए हैं। अब मैं इसको धो लेती हूँ एक दो बार अच्छे से और फिर इसको लगाते हैं हम तड़का। अब ये देखिए हमारे चने के लिए हो गए चने। मैंने थोड़ा सा जिंजर, टमाटर और ग्रीन चिलीज ले ली और धनिया। अब हम इसको एक पेस्ट बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे ना काम करते टाइम टाइमिंग का पूरा ध्यान रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली जल्दी जल्दी सब कुछ करना है और टाइम के हिसाब से करना होता है। तो ऐसा है नहीं कि एक चीज़ बनेगी तभी हम दूसरी बनाएंगे। लकीली यहाँ पे चार स्टोव है तो मैं एक साथ ही सारी यूज़ कर लेती हूँ। वैसे भी आपको बताइए तो इसीलिए यहाँ पे खीर की हमारी सीटी लग गई है तो मैं उसको थोड़ा सा स्टीम निकलने दूंगी। मैंने दूसरा कुकर चढ़ा दिया है इधर में, तब तक ये जो हमारा टमाटर है, ग्रीन चिलीज हो गई, इन सब का हम पेस्ट बना लेते हैं। तो हम इसी में सारे मसाले डालेंगे और यही मसाले यूज़ करेंगे। चिली इज़ अप टू योर लाइकिंग, आई मीन मैं ज़्यादा तीखा खाती नहीं हूँ, अक्षय तीखा खाता है, तो मैं मीडियम स्पाइस डालती हूँ हमेशा ताकि बैलेंस रहे, है ना। ओवरली स्पाइस्ड भी नहीं हो जाना चाहिए कि फिर खाया ही नहीं जाए, और अब इतने प्यार से बना रही हूँ तो ऑब्वियसली, है ना। तो इसीलिए मैं कभी कभार क्या करती हूँ, ग्रीन चिलीज़ के थोड़े बीज निकाल देती हूँ। तो एक मेरा देसी जुगाड़ है जिससे कि थोड़ी मिर्ची कम हो जाती है इनके इसमें, नहीं तो धनिया डाल देते हैं और फिर इसका बना लेते हैं एक अच्छा सा प्यारा सा पेस्ट। देखिए धनिया का ऐसा है ना, यहाँ पे धनिया बड़ी मुश्किल से मिलता है, इंडिया की तरह नहीं कि इजीली मिल जाए, और स्पेशली जहाँ पे हम रहते हैं फ्रांस जोसेफ में, यहाँ पे तो बड़ा ही, मतलब अगर हम हकीतिका या फिर ग्रेमा साइड में जाएंगे तभी मिल पाता है, और यहाँ सुपर मार्केट में कभी आ जाए तो दैट्स अ वेरी बिग डील एक्चुअली। तो हमने ये देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए मैंने सब कुछ डाल दिया न्यूट्रीबुलेट में, अब इसमें थोड़े से मसाले डाल देते हैं।
थोड़ा सा हो गया हमारा सॉल्ट, तो मैंने इसमें नमक तो आपके सामने डाला था, उसके अलावा मैंने इसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दी है, जीरा पाउडर डाल दिया, धनिया पाउडर डाल दिया, ज़्यादा कुछ मसाले डालेंगे नहीं, इतने से ही काम हो जाएगा। अब इसको जल्दी से पीस लेते हैं। मसाला रेडी है, कुकर में मैंने तेल डाल दिया है और तेल भी सरसों का हो गया है रेडी। अब इसमें मैंने मेथी का तड़का डाल दिया है, मेथी का भी कलर हो गया है चेंज, और अब हम ऐसा करते हैं हम अपना मसाला डालते हैं। और ये देखिए मैंने डाल दिया अपना यहाँ पे जो बनाया हुआ मसाला था, डरिए मत सूखी बनेगी। अब इसमें इसको हमने थोड़ा सा तड़का सा मार लिया ना, अब इसमें हम चने डाल देंगे। देखिए हो सकता है आपको कुछ चीज़ें अटपटी सी लग रही होगी, ये चीनी ऐसे कैसे बना रही है, तो अलग अलग तरीके हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, मेरे लिए ये फास्टेस्ट वे है, क्योंकि चना हमने ऑलरेडी भिगो कर रखा था। अगर नहीं भिगाया होता और अच्छे से गल गया, मतलब अगर नहीं भिगाया होता तो मैं क्या करती, इसको थोड़ा सा सीटी मार लेती, थोड़े से क्या बहुत ज़्यादा ही मारना चाहते हैं, और फिर पकाते। और अगर ये नहीं गले होते भिगाने के बाद भी, तो भी इसमें चार छः सीटी मार देती, लेकिन जब गल गए हैं तो बेचारे को क्यों ऐसा पका पका के होता है ना, और उससे चने भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अब हम इसको ऐसे ही आराम से पकने देंगे, इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेती हूँ मसाले के साथ, और ये सब में मसाला कोट हो जाएगा। आपको दिखाती हूँ, आपको ये देखिए, ये देखिए ये मसाला अच्छे से कोट हो गया है इन पे। अब हम इसको अच्छे से स्टीम होते रहने देंगे और ये अपने ही स्टीम में अपने ही टेस्ट में पकेगा आराम से। यहाँ पे गैस चावल की भी सीटी निकल गई है, जो हमने खीर के लिए रखी थी, खीर को अच्छा नहीं खाती हूँ आपको कैसा है ये और बाद में कैसा होगा। ये देखिए ये चावल अच्छे से पक गए हैं, अब हम इसमें दूध डाल के इसको अच्छे से पकाएंगे, लेट्स सी। ये जो ए टू मिल्क की बात होती है ना, ये एक्चुअली मुझे एज कम्पेयर टू अदर मिल्क व्हाट वी फाइंड हियर इज वेरी क्रीमी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत क्रीमी टेक्सचर में होता है, और इस वजह से ना मैंने जितनी बार भी खीर बनाई है यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, तो उसी हिसाब से मैं डाल के बना रही हूँ। ये देखिए अब हमने इसमें डाल दिया दूध और अब हम इसे पकने के लिए रखेंगे। ये देखिए अब इसमें आप थोड़ा थोड़ा करके दूध डाल के इसको पकाते रहिए पकाते रहिए, ये अपने में रेडियस होता रहेगा। तो हमारा चना यहाँ पे अच्छे से आँच में पक रहा है स्टीम के साथ, और ये हमारी खीर भी यहाँ पे वो बल मारती रहेगी। तब तक करते हैं तैयारी। तब तक किस चीज़ की तैयारी करेंगे हम? अब हम बना लेंगे हलवा, क्योंकि ऑब्वियसली हलवा तो बनाना है ही, और फिर लास्ट में हम पूरी की तैयारी करेंगे। ओके लेट्स गो। अब करते हैं हलवे की तैयारी। तो मैंने सूजी ले लिया है, आधा किलो सूजी का बना लेती हूँ मैं सोच रही हूँ, तो सबके लिए हो जाएगा, एक्स्ट्रा ही होना चाहिए थोड़ा, यू नो नेबर्स वगैरह सबके लिए। तो अब मैं क्या सोच रही हूँ, पैन मैंने रख लिया है, घी डाल देती हूँ उसमें ताकि घी गर्म हो जाए, ठीक है, और उसके बाद फिर बाकी का प्रोसेस करते हैं। हलवे का प्रोसेस जैसे होता है, धनिया का डब्बा मैं इधर ही रखे हुए हैं, अभी फ्रिज में ले जाने का टाइम नहीं है, यू नो आई एम वेरी बिजी। तो अब इसमें मैं ढेर सारा घी डाल दूँगी और फिर इसमें हम अपना ड्राई फ्रूट्स डालेंगे और सूजी डाल के उसको थोड़ी अच्छे से भून लेंगे ताकि कलर आ जाए, और जैसे ही सूजी हमारा खुशबू छोड़ना स्टार्ट कर देगा, बस देन विल एड मिल्क एंड अ लिटिल बिट ऑफ वाटर एंड देन विल मेक अ हलवा। चलिए तो ये देखिए मैंने घी गरम कर लिया, उसमें मैंने अगेन कार्डमम पाउडर डाल दिया थोड़ा सा, और ये ड्राई फ्रूट्स में हल्के से फ्राई कर ले रही हूँ ताकि वो उसका टेस्ट अच्छा है। यहाँ पे भी देखिए स्टीम निकल रही है, यहाँ पे ये पक रहा है, यहाँ पे ये पक रहा है, तो अभी थोड़ी देर में इसको भी चेक कर लेंगे, तक इसको थोड़ा भून लेते हैं ताकि ये जल ना जाए। इसमें सूजी डाल के मैं इसको अच्छे से भून रही हूँ, जब ये अच्छे से भून जाए और आपको सूजी की खुशबू आने लगे तो फिर इसमें हम चीनी और दूध मिला लेंगे बस। देखिए साथ साथ में भूनना मत, खीर भी चढ़ाई हुई है उसको भी चलाते रहिएगा, वरना नीचे से
वो बोलते हैं ना नीचे लग जाता है, वो लग जाएगा। खीर भी अच्छे से हो रही है, उसको अच्छे से रिड्यूस करेंगे हम ताकि वो उसमें जो क्रीमीनेस और थिकनेस होती है वो रहे, है ना। तो उसी से तो टेस्ट बनता है। और साथ में ये हलवा भाई साहब को भी चलाते रहिएगा, वरना ये भी जल्दी से लग जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है ये सारे गैस का, यू कैन यूज़ एवरीथिंग एट द सेम टाइम, मल्टीटास्क, इट्स मोर फास्टर, यू हैव टू गेट यूज टू इट। ऑफकोर्स आपको मेरी तरह टैलेंटेड होना हो जाता है सब, यू नो यू गेट यूज टू थिंग्स। अब मेरे घर में भी मायके में ससुराल में दोनों जगह पे चार बर्नर्स वाले ही गैस नहीं हैं। वो बात अलग है कि उस टाइम पे मैं पकाती नहीं थी, एटलीस्ट शादी होने से पहले तक तो मैं बिल्कुल भी नहीं पकाती थी, मतलब थोड़ा बहुत कर लिया, मम्मी की हेल्प कर दी, अदरवाइज आई नेवर यूज टू कुक। अब शिप से आती थी, डेढ़ दो महीने की छुट्टी होती थी, उसमें यू नो अपना रेस्ट किया, घूमे फिरे, मम्मी कुछ ना कुछ टेस्टी टेस्टी बना के रोज़ खिलाती रहती थी। कभी कभार मम्मी को भी कुछ एक डिश बना दी, बहुत बड़ी बात होती थी। अब जब से शादी हुई है ससुराल में भी खाना वाना बनाना स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे आके तो और ज़्यादा। तो अब ऐसा हो गया है कि अब मेरी माँ मुझे बोलती है, अच्छा हमारे लिए तो कभी नहीं बताए तूने। तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, क्या करें। आई थिंक जब तक लोग ट्राई ना करें उनको पता नहीं चलता होता है आपको, और स्पेशली लेडीज़। अब देखिए दुर्गा पूजा का स्पेशल चल रहा है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, आजकल के ज़माने में लड़कियां ऐसा क्या है जो नहीं कर सकती। कोई भी प्रोफेशन देख लीजिए आप, आई मीन पीपल आर अर्निंग वे मोर देन गाइज दीज डेज, पीपल आर टेकिंग केयर ऑफ देयर पेरेंट्स, आई मीन दे आर इन एवरी काइंड ऑफ प्रोफेशन। आप डॉक्टर्स ले लो, इंजीनियर्स ले लो, एस्ट्रोनॉट्स ले लो, हॉस्पिटैलिटी हो गया, शिपिंग हो गया, आजकल तो सब है, कैप्टन्स है, पायलट है, आर्मी में है, सब जगह है यार। मतलब आजकल तो कोई कॉम्पिटिशन ही नहीं है, मतलब वो बोलते हैं ना कि सब एक बराबर है, एग्जैक्टली लाइक दैट। तो बहुत अच्छी बात है कि हम यू नो वी सेलिब्रेट फेमिनिज्म और नॉट, होना भी चाहिए। और ये सारी चीज़ें हर किसी को रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए, ईच एंड एवरी जेंडर इज़ इक्वल। तो मेरे लिए तो यही है कि भाई सबकी रिस्पेक्ट करो, बड़े बूढ़े, लेडी, जेंटलमैन, बच्चे, जो भी है, है ना। बाकी तो क्या है, अपना कर्म करते चलो, फल की चिंता मत करो, वो तो मिल ही जाएगा हमारा। मुझे हलवे से भी खुशबू आनी तो शुरू हो गई है, तो अब मैं सोच रही हूँ मैं इसमें चीनी मिला देती हूँ ना, ताकि चीनी मिलाने से इसका थोड़ा कैरमलाइजेशन भी हो जाएगा, और उसके बाद फिर इसमें हम दूध और पानी डालेंगे। उससे क्या होगा कि इसका टेस्ट भी थोड़ा कैरमलाइज अच्छे सा टेस्टी से। अब मैं यहाँ पे तो दूध पानी का मिक्स बना देती हूँ, ताकि मुझे वो बोलते हैं ना जैसे ही लिक्विड डालते हैं वो उबलने लगता है, फैलने लगता है, एटलीस्ट वो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और फिर स्वाद अनुसार हम इसमें एंड में भी थोड़ा और घी डालेंगे। मैं यहाँ पे घी की कंजूसी नहीं कर रही हूँ, लेकिन बर्न भी करना पड़ता है, मतलब इतना सारा घी घी हो जाएगा तो वज़न भी उतना ही तेज़ी से बढ़ेगा। अब मेरे घर पे क्या है, मम्मी बनाती है उनको दिल खोल के घी डालती है, वो तो मतलब तैर रहा होता है घी, लेकिन टेस्ट भी वैसे ही आता है उसका, तो वो डिफरेंस तो होता ही है, लेकिन क्या कर सकते हैं यार, थोड़ा बहुत तो यू नो फिगर का भी ध्यान रखना ही पड़ता है। वैसे भी आपको पता है अभी इंडिया से छुट्टी जाके आई, तो वेट गेन तो आराम से हो गया, मतलब इतनी ऐसा मैं कुछ खाती भी नहीं यार, फिर भी कैसे वेट गेन हो जाता समझ ही नहीं आता। एनीवेज थोड़ा और इसको बनाती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो चलिए अब दिखाती हूँ मैं, मेरे सारे प्रसाद हो गए रेडी। ये देखिए ये हमारा हलवा रेडी हो गया। मैंने इसमें थोड़ा सा येलो कलर डाल दिया, मेरे पास ऑरेंज था नहीं, ऑरेंज ढूंढ रही थी तो येलो था, तो मैंने येलो ही डाल दिया। ये हमारा हलवा हो गया है रेडी। यहाँ पे चना भी ऑलमोस्ट रेडी है। और ये देखिए हमारी खीर, कहा था ना मैंने अच्छी सी क्रीमी सी हो जाएगी, ये देखिए
अब आपकी मर्जी है, आप इसकी कंसिस्टेंसी कैसी करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, किस हिसाब से, अगर इसमें आपको और दूध मिलाना है, इसे थोड़ा पतला करना है, जो भी करना है, दैट्स योर विश। बट हमारी खीर रेडी हो गई है, चना भी रेडी है। अब मैं जल्दी जल्दी से बनाती हूँ पूरी, उसके बाद माता रानी को चढ़ा के, उसके बाद पतिदेव का वेट करते हैं, फिर उन्हें खिलाएंगे। ठीक है, दिखाते हैं आपको सब कुछ रेडी होने के बाद। और ये मेरी पूरी की तैयारी हो गई है, तेल गरम हो रहा है, छोटे बर्तन में कर रही हूँ क्योंकि यू नो इट्स इजी, ज़्यादा तेल यूज़ नहीं करने के लिए। अब जल्दी जल्दी पूरियाँ तल लेते हैं। वेल, जिसका इंतज़ार था दैट्स रेडी, हमारी माता रानी के लिए प्रसाद हमारा रेडी है। अब बस माँ को चढ़ा देते हैं और फिर टेस्ट करके देखते हैं। ओके, ये देखिए, ये हमारी खीर, ये हमारी पूरियाँ, हलवा और चना माँ को चढ़ा देते हैं। अब चलिए चलिए, प्रसाद तो रेडी हो गया, माता रानी को चढ़ा भी दिया। अब मैं लंच की तैयारी करती हूँ, मतलब थोड़े और पूरियाँ बना लेती हूँ। पतिदेव आने वाले होंगे अब, तो उनको भी टेस्टी टेस्टी सा प्रसाद खिलाना है। आप लोग भी अपना ध्यान रखिए, और आपको बहुत सारा प्यार देने के लिए थैंक यू। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मुझे बताना अगर आप लोग ऐसे मेरी रेसिपी ट्राई करते हैं या फिर आप लोग को अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है, तो मुझे ज़रूर बताना, मैसेज करना। ठीक है, ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग, एंड जय साई राम, जय माता दी, बाय।